हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू अ क्विक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। बिकॉज मुझे वीडियोस अपलोड करने में बहुत टाइम लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लक्ष्य के साथ ही वीडियोस शूट करने हैं, पर लक्ष्य स्कूल जा रहा है तो वो बहुत बिजी है। तो मुझे वीडियोस अपलोड करने से पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, और तो सोचा कि क्वेश्चंस का आंसर तो दे दूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, लक्ष्य की एज क्या है? तो अक्टूबर 2022 में लक्ष्य को 8 साल कंप्लीट हो गए, तो ही इज 8 ईयर्स 3 मंथ्स ओल्ड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कर्नाटका से हूँ, धारवाड़। ये एक एजुकेशनल कैपिटल है जहाँ मैं रहती हूँ। यहाँ पे कर्नाटका यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका एग्री यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे IAS एस्पिरेंट्स जो है कोचिंग के लिए आते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है यहाँ पे, तो इसीलिए उसको एजुकेशनल कैपिटल भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और सब बैंगलोर चले जाते हैं। मैं बैंगलोर में नहीं हूँ, या बैंगलोर यहाँ से 6-7 घंटे का रास्ता है। तो मैं पुणे और बैंगलोर के बीच में हूँ। धारवाड़ यहाँ से पुणे भी 500 किलोमीटर है और बैंगलोर भी 500 किलोमीटर है, तो कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर में है हम। और यहाँ कन्नड़ा बोला जाता है, पर मैं लक्ष्य को हिंदी सिखा रही हूँ। ये बहुत ही मतलब लैंग्वेज के जो अभिमानी होते हैं उनको अनॉय हो सकता है, पर क्या करूँ, हमारे स्पेशल पेरेंट्स की यही दिक्कत है कि कोई भी लैंग्वेज बोले। क्योंकि लक्ष्य छोटा था तब से वो हिंदी टीवी देख देख के हिंदी सीख रहा था और हिंदी ही बोल रहा था, तो मुझे उसको लैंग्वेज की कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी थी, तो इसीलिए वो हिंदी ही स्टार्ट कर दिया। और फॉर्चुनेटली जहाँ से हमने एजुकेशन ऑनलाइन थेरेपीज ली है वो भी अलाहाबाद से ली है, जहाँ पे शुद्ध हिंदी बोली जाती है, तो दे ऑल फेल इन टू प्लेस। तो कहाँ से कब से थेरेपी लिया, थेरेपी स्टार्ट किया हमने ऑनलाइन, इसीलिए लिया क्योंकि धारवाड़ हमारी बहुत ही यू नो एजुकेशन वाइज फॉरवर्ड है, बट व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस ऑफ ऑटिज्म यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, यहाँ पे सेंटर्स नहीं है, तो इसी की वजह से मुझे ऑनलाइन चूज करना पड़ा। और जो प्रीवियस वीडियो देखा है आप जान चुके होंगे कि मैंने कहाँ कहाँ से लिया। पहला तो स्पेशल एजुकेशन से स्टार्ट किया लास्ट ईयर अक्टूबर में, विच इज़ फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पेशल एजुकेशन अलाहाबाद। और 3 महीने स्पेशल एजुकेशन होने के बाद, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैंने स्पेशल एजुकेशन लिया। देन नेक्स्ट जनवरी 2022 इसी साल में मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट किया। ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर भी है एबिलिटीज अनलीश्ड कानपुर। तो ये ऑनलाइन थेरेपी जो नहीं होती है करके लोग बोलते हैं, शायद मैंने वो मिथ बस्ट किया है, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स को ही काम करना है, गाइड करने वाले आपको हमेशा गाइड करेंगे। आप सेंटर भी छोड़ेंगे तो सेंटर भी 40 मिनट ही रहता है, घर आने के बाद फिर से पेरेंट्स को ही काम करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इट वर्क्स ओनली व्हेन वी वर्क विद आवर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा है, स्पीच कैसे आई, कब आई, दो वर्ड कम्युनिकेशन कैसे आया। मैंने एक माइलस्टोन वाली वीडियो ही डाला है जो स्पीच की जर्नी है, फिर भी बेसिक्स बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं मालूम होती है, तो उनकी लैंग्वेज पे फोकस करिए। लैंग्वेज पे फोकस करने के लिए आपको पहले नाउंस ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि मेरे पास आप देखेंगे ये फ्रूट्स के कैटेगरी है, फ्रूट्स के मैंने 15-20 कार्ड बनाए, और ये वेजिटेबल्स के 15-20 कार्ड है, फिर एनिमल्स के 15-20 कार्ड है, फिर शेप्स जितने हैं उतने कार्ड्स बनाए मैंने, घर पे ही बनाए, कुछ पेपर से कट कराए, फिर ये है ट्रांसपोर्ट। जैसे ही आप ऐसे कार्ड्स बनाएंगे वो ऐसे ही, जैसे कि अभी एप्पल इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट आपको एप्पल 7 दिन कराना है मैचिंग करा के। 3 कार्ड्स ले लीजिए, मैच करो एप्पल, उसको एक नॉन चीज के साथ रखिए, जैसे जिस कार्ड को आप सिखाना चाहते हो। लाइक मैं अभी फिलहाल में एग्जांपल कीवी फ्रूट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कीवी फ्रूट को राइट साइड रख रही हूँ, और ये जानता है लक्ष्य जो नॉन कार्ड है वो ज़िब्रा रख रही हूँ, और दूसरे कैटेगरी का रखना है। तो यहाँ ज़िब्रा का कार्ड और यहाँ कीवी का फ्रूट का कार्ड, तो आप बोलेंगे कीवी का। ये कार्ड्स मैंने मतलब प्रिंट आउट लिया था एक कार्ड पेपर में, 4-4 के प्रिंट आउट लेके कार्ड बनवाया। अगर आपके पास घर पे कार्ड है, जैसे कि मैं था बुक्स थे माई लाइब्रेरी का, उसमें कट करके वहां से लिया, ऐसे कार्ड बनवा के लिया, तो कार्ड का कोई लिंक नहीं है मेरे पास, बट ऐसे ही कार्ड बनाए हैं। और सिटिंग टॉलरेंस लाने के लिए ऐसे कॉर्नर में आपको बिठाना है बच्चे को, दो साइड से उसको कवर करें, एक साइड पे आप सामने रहे ऐसे, तो ऐसे ही उसको सिखाना है और बोलना है कीवी फ्रूट मैच करो लक्ष्य, मैच करो। लक्ष्य करता है, इसलिए अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो हैंड ऑन हैंड प्रॉम्प्ट लेके ऐसे मैच कराना है, फिर ऐसे स्वैप करिए कीवी फ्रूट मैच करो, ये 3 बार कहिए, लास्ट जो जानता है उसको उतना ही बोलिए मैच करो ज़ेब्रा।
फिर किवी फ्रूट दे दो, दे दो ज़ेब्रा, दे दो। तो इससे बच्चे की मैचिंग ऐसे कराते हैं जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो रही है और बच्चे को लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है, जहाँ पे मैं मैच करो और दे दो बोल रही हूँ। ऐसे ही आप सारे कैटेगरीज में करा सकते हैं, जैसे कि एनिमल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्रांसपोर्ट, कलर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, क्लोथ्स, बॉडी पार्ट्स, इतने सारे कैटेगरीज जब मैच करेंगे तो बहुत सारे नाउंस होंगे, तो उसको आप स्पीच से रिलेट कर सकेंगे। जैसे कि अभी किवी फ्रूट है, तो लक्ष्य किवी फ्रूट कौन सा कलर है? किवी फ्रूट, किवी फ्रूट इज ब्राउन कलर। एप्पल भी वैसे ही कर सकते हैं। एप्पल, एप्पल कौन सा कलर है? रेड कलर है। एप्पल का शेप कौन सा है? हार्ट शेप है। फिर ऐसे ही आप बार बार हर चीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, विच इज यू नो टायरिंग समटाइम्स, बट यस दिस इज द ओनली वे वी हैव। कुछ नहीं कर सकते। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं लक्ष्य को स्टार्ट हो जाती हूँ, वो जैसे बोलते हैं तोते की तरह बोलना। तो यू नो हर चीज़ जब किचन में भी हो, ये हम कट कर रहे हैं, वेजिटेबल कटिंग कर रहे हैं, बाथरूम में हो तो ये टूथपेस्ट है, ये टूथब्रश है, इसे ब्रशिंग करते हैं हमारे टीथ को, तो कंटिन्यूसली इट्स अ प्रोसेस। बहुत सारे लोग ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कितना दिन है, कब तक है, इट्स अ जर्नी। ये इसका मैं फिक्स्ड टाइमलाइन या फिक्स्ड गोल नहीं है कि इस एज में जाके हमारे बच्चे फंक्शनल हो जाएंगे। नहीं, जितना आप काम करोगे उतने ही फंक्शनल होंगे। तो अभी रिसेंटली मैंने स्पेशल एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से लक्ष्य को विड्रॉ किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है मैंने छोड़ दिया है वो। उसको घर पे मैं करा रही हूँ और वो स्कूल में भी सीख रहा है। थेरेपी बेस्ड लर्निंग ही है, स्पेशल स्कूल ही है, क्योंकि लक्ष्य की एज बहुत ज़्यादा थी तो मैं उसको नॉर्मल स्कूल में वो सेटल नहीं हो रहा था तो स्पेशल स्कूल में ही डालना पड़ा। पर घर पे भी मैं अभी ओटी कराती हूँ उसको। ओटी तो आपको ग्रिप पड़ जाएगा, आप जब 6-7-8 महीने तक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को कैसे हैंडल करना पड़ेगा और घर पे कैसे ओटी करा सकते हैं हम। तो जैसे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि ओटी का पूरा डिटेल वीडियो डाला था मैंने, तो ओटी मैं घर पे कराती हूँ। तो स्पीच के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, माइलस्टोन्स है वो, जो वीडियो मैंने डाली उसमें आप देख ही सकते हैं कि इमिटेशन, देन कैटेगरी निकलना है, देन फंक्शन निकलना है, देन इमिटेशन में भी ऑब्जेक्ट इमिटेशन, फर्स्ट फाइन मोटर ग्रॉस मोटर हो जाती है, फिर इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट्स कराना है, जैसे कि पानी का ग्लास लेके क्या कर रहे हैं हम, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो ये सभी। और लास्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य को आप बैग क्यों पहना के वॉकिंग करने लेके जाते थे? अ डे इन अ किड्स लाइफ विथ ऑटिज्म में आप देखेंगे अगर मैं लक्ष्य को बैग पहना के वॉकिंग लेके जा रही हूँ, तो इसीलिए एक पेरेंट ने पूछा कि बैग क्यों पहनाया है। तो बैग मैंने इसीलिए पहनाया था क्योंकि जैसे ओटी में दिखाया था कि पैरों में वेट डालते हैं, वैसे ही मेरी बैग पे भी कोई वेट रहे सो देट वो भाग ना जाए। वो पहले भागता था, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ये इनिशियल स्टेजेस में है, लास्ट ईयर की बात है ये। तो इसीलिए मैं उस बैग में 1 लीटर का पानी का बॉटल रखती थी, घर की चाबियाँ और थोड़े बहुत बुक्स भी डालती थी, तो थोड़ा बहुत 2 kg का वेट रहता था वो बैग, तो उसके पीछे रहता था कि वो भागने की इंटेंसिटी कम करे और मुझे भी एक ग्रिप मिले कि वो सडनली कहीं भाग गया तो मैं उसको पकड़ लूँ। और वैसे ही मैं अगर शॉपिंग सेंटर्स में भी जाती हूँ तो लक्ष्य के हाथ में वो बास्केट थमा देती हूँ, सो दैट वो बास्केट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको अवेयरनेस होता है कि उसके हाथ में कुछ है और मुझे स्लो डाउन करना है, मुझे नहीं भागना है इधर से उधर। तो ये उनकी भागने की इंटेंसिटी, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए मैंने उसको बैग पहनाता था। अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी वो स्कूटर लेके जाता है, जैसे आपने लास्ट वीडियो में भी देखा है, तो वो स्कूटर भी नॉट सो स्मूथ रास्ता, मतलब मिट्टी के रास्ते में भी वो बैलेंस कर रहा है आजकल, तो स्कूटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका बॉडी बैलेंस करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे से गाड़ी आए तो साइड होना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जान चुका है अभी। तो दिस इज़ बिकॉज वो कंटिन्यूसली मैंने उसको पहले वॉकिंग लेके गई, फिर अभी उसको हाथ में मैंने स्कूटर दिया है। सो कंसिस्टेंसी वर्क्स अ लॉट इन दिस। सो आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं, अभी कोई और क्वेश्चन नहीं है। तो सून आई विल अपलोड द वीडियो ऑन स्पेशल एजुकेशन ऑल्सो। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज एंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात है, आप भी जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को, दैट इज़ द गुड थिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हकुना मटाटा।